उर्दू के पास एक ऐसे नाबगे रोजगार भी हैं कि जिनका नाम अगर किसी खाचा फरोज से लेकर किसी प्रोफेसर तक के सामने लिया जाए तो वो यही कहेंगे कि हम उन्हें जानते हैं। लेकिन अगर यही सवाल कुछ रिफ्रेज करके दोबारा पूछा जाए कि क्या आप वाकई उन्हें जानते हैं, तो फिर जवाब एक शिकवे की सूरत में होगा कि नहीं, वो तो बहुत मुश्किल पसंद आदमी थे। यकीनन मेरी मुराद दबीरुल मुल्क बहादुर निज़ाम जंग मिर्ज़ा नौशा असदुल्ला खां गालिब। गर्चे गालिब ने अपने कलाम की तफहीम को कभी भी हाथ ना आ पाने वाले परिंदे की मिसल करार दिया और लिखते हैं कि मुद्दा अनका है अपने आलम तहरीर का। लेकिन वहीं अपने कारीन को एक नवीद भी दे दी कि बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ लेकिन आयारे तबाए खरीदार देखकर। तो दर हकीकत गालिब का कलाम मुश्किल नहीं बल्कि सिर्फ इस बात का मुतकाजी है कि पढ़ने वाला बाज़ौक होने के साथ साथ लफ्ज़ों के सतही मानी इनके समाजी और सकाफ़ती रंग और सूती कैफियतों से वाकिफ हो। यही वाकफियत ही गालिब की शायरी पर लगी गिरहें खोल देती है और कारी जिंदगी के नेहा खानों पर दुजदीदा नज़र करता चला जाता है। इस वीडियो सीरीज़ में हम गालिब के अशार की हर मुमकिन पहलू से प्रकाश करते हुए ज़िंदगी के पोशीदा खानों पर अमीक नज़र डालने की कोशिश करेंगे। का शेर है कि है वहशत तबीयत इजाद यास खेज, ये दर्द वो नहीं कि ना पैदा करे कोई। बादियो नज़र में तो ये शेर खूबसूरत भी है और आसान भी, लेकिन मानी या मजमून जो गालिब पेश करना चाह रहे हैं कुछ उभर के सामने नहीं आ रहा। और उसकी वजह ये है कि हमने गालिब के यहाँ मुस्तमिल होने वाले अल्फाज को ज़रा हल्के में ले लिया। यहाँ यास खेज से मुराद वो अमल, वो बात, वो शय जो नाउमीदी को बढ़ाए, और तबीयत ईजाद से मुराद वो मैकेनिज्म, वो प्रोसेस, वो अमल है जिसमें कोई चीज़ तख्लीक होके सामने आती है। यानी द होल प्रोसेस, द होल मैकेनिज्म ऑफ एक्सकोजिटेशन इज कॉल्ड तबीयत ईजाद। कहना ये चाह रहे हैं कि जिद्दत तराजी और नुदरत अंगेजी में एक वहशत पिनहा है जिससे कोई भी तख्लीकार कोई भी बड़ा दिमाग जाए फरार हासिल नहीं कर सकते। अगर हम इस शेर को अहद अतीक से लेकर असर हाजिर तक के आईने में देखें तो फिर भी मुसलमा हकीकत है। हम देखते हैं कि सुकरात से लेकर मंसूर तक, गालिब से लेकर नून मीम राशिद तक, गैलीलियो से लेकर आइंस्टाइन तक, जब भी किसी बड़े जहन ने कोई बड़ी बात कहना चाहिए, कोई बड़ी तख्लीक देना चाहिए, तो उसे वहशतों का ही सामना करना पड़ा। अहमद अदीम कासमी ने कहा था कि यह इर्तका का चलन है कि हर ज़माने में पुराने लोग नए आदमी से डरते थे। चूँकि ज़माना उस रसूम में और जंजीरों में जकड़ा होता है कि कोई भी बड़ा जहन जब उनको तोड़ने की कोशिश करता है तो अहले दुनिया फिर उसे वहशतों और मसाइब और तकालीफ से ही दो चार करते हैं। इनडायरेक्टली शेर में गालिब हर तख्लीकार तक एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर आप भी कोई बड़ी बात कहना चाह रहे हैं, कोई बड़ी तख्लीक करना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आपको भी वहशतों का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए घबराना नहीं है।